बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत फरमाए, और जो आपकी जैन आयते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत सब पूरी कर दे, दुनिया और आखिरत की हम सबको भलाइयाँ दे। आगे बढ़ने से पहले बेगम उनका सलाम करे, दुआ करे, दुआ। उधर से ना एक यूं वाली बहन ने ना फोन किया था, फोन वो कह रही दुआ कराना, दुआ और आपको सलाम कह रही थी, वो आपको सलाम सलाम भी कह रही थी, आपका ये सलाम आपसे जवाब दे रही है, आपका सलाम देने का आपको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन मैं सॉरी बादल याद नहीं रहा, मैं अब आपके सामने वीडियो में आपका पैगाम दे दिया ऐसे। और आगे बढ़ते हैं, मेरे नौजवान को ये फर्जंद को देखे हैं कि ये आपके सामने लेटा हुआ है, उधर रुख करो जी, चेहरा चेहरा दिखा सकते हो बेटा, जरा चेहरा दिखाना, इसको बुखार है जी, कल से बुखार है, और आज संडे छुट्टी, यहाँ जो डॉक्टर आता है ना इलाके में हमारे, और वो आज आएगा नहीं, कल मुझे याद नहीं रहा, शाम को लौटा मगरब को, शाम को तकरीबन तो इन्होंने बताया, और फिर मैं दवाई लेता आया था जाके मेडिकल स्टोर से, जाके ले आया था वहां से सॉरी, तो वो मैंने सिरप दिया है, लेकिन यह है कि उससे फाका नहीं हुआ, लेकिन सिरप अच्छे वाला था, लेकिन आज वो दिया है कि और डॉक्टर आते हैं तो, लेकिन वो दूसरे स्टोर वाले हैं, मेडिकल स्टोर वाले, यानी कि वो छोटा मोटा करते हैं डॉक्टरी का, लेकिन यह है कि वो गोलियां तो दे देंगे, सिरप दे देंगे, लेकिन यह कि टीका नहीं लगाएंगे, लेकिन वो कहते हैं जी टीका हम नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हमें फिर मजबूरन कल इसको फिर दिखाना होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन देखें कि आमना अपने भाई को जूता पहना रही है, वक्र को ये देखिएगा, ये बहन भाइयों का आपस में प्यार कितना है माशाल्लाह, और मेरे वक्र को जूता पहना रही है शूज़, वो देखें आपके सामने, ये देखिएगा, चाहे उल्टा तो चाहे सीधा, लेकिन प्यार देखें उनका, प्यार देखें उनका। फातिमा आप रुको ना, उसी को करने दो ना, उसी को करने चाहो, आमना करो करो, आमना पहनाओ ना भैया को, पहनाओ। अब इनको पता चल गया है वीडियो बन रही है, अब ये मुताहत हो गई, देखे उठ गई है, उठ गई है, चले जी अल्लाह इनके उस जज्बे को कबूल करे, और इसी तरह ये आगे भी रहे, और भाई भी अपनी बहन की कदर करे, बहनें भी भाई की कदर करती रहे बड़े होकर भी। नाजरीन देखे यहाँ पर बेगम मेरी सफाई कर रही है, कचरा कुचरे को सेट भी कर रही है, ईंटें वगैरह हैं बीच में, लकड़ियाँ हैं सेट पे हो रही हैं, और ताकि सफाई की जा रही है ताकि गंद खराबा दूर हो, सफाई नफ्स ईमान है। ये कह रही है ये चूंटियाँ ना यहाँ पे निकली हैं, चूंटियाँ ये मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रही होंगी, हाँ वो नज़र आ रही हैं, ये चूटियाँ जी काटती हैं बच्चों को, बड़ों को भी काटती हैं, ये कह रही है कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बीच में मुख्तलिफ यानी कि अपना चीज़ें पैदा हो रही हैं, अल्लाह की मखलूक है, क्या क्या नाम है हमें नहीं मालूम। इस तरह यहाँ पर भी घास को शहद निकला हुआ और एक पौधा निकला हुआ है, और हाँ यहाँ पर मैं आपको शहद दिखाता हूँ, शहद 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 का छत्ता, ये बीच में आपको शायद नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं आपको दोबारा जूम करके दिखाता हूँ, आप गौर कीजिएगा, ये कैमरे के यानी कि आखिरी स्क्रीन वाले हिस्से पे वो शहद लगा हुआ है माशाल्लाह, लेकिन अभी बना नहीं होगा क्योंकि डेली इसको छेड़ा जाता है, छेड़ने से मुराद जब लकड़ी यहाँ से खींचते हैं आग जलाने के लिए उठाते हैं, वो उसका शोर होता है खड़कार, और उस वजह से फिर ये ज़रा मुतात हो जाते हैं, फिर हिलना शुरू हो जाते हैं, और अपनी हरकत वगैरह वो जो बनाया होता है वो पीना शुरू कर देते हैं, और इस तरफ गंद जो है ना इकट्ठा कर लिया है बेगम मेरी ने, ये देखिए आपके सामने काफ़ी सारा आज काम किया है इसने, ये अभी भी कर रही है, वो देखें ये बारिशों से ना घास पैदा हुआ था, बारिशों से। तो नाजरीन आपने हमारी वीडियो देखी, आज मेरी बेगम ने काम भी देखे, उसने बड़ी मेहनत की है, आज बहुत बड़ी मेहनत की है, और मेरा साथ जो है ना आमना आज ये भी गोद में, और मैं जानबाज के ऊपर ही बैठा हूँ, मार पड़ ली है अभी उसी के ऊपर ही बैठा हूँ, ठीक है जी। अब ये जा रही है, कहती है कि मैंने अल्लाह को मिलने जाना है, इसका हर वक्त यही होता है, और जब कोई घर में कोई चीज़ उसको कहना जी अबू को कहो ये लेके आए, अबू को कहो ये लेके आए, इसकी माँ कहेगी या बहनें कहेंगी उसको या भाई कहेंगे, इसे मजाक करते हैं तो ये आगे तो कहेगी जी अहमद गुल ने कहा कि जी आप केले लेते आना, आमना ने फातिमा ने कहा जी आप
सेब लेते आना स्त्री के, हम कहेंगे जी आमना नहीं कहती, आमना के ऊपर मौज हो जाएगी, और साथ ही हम फिर कहेंगे जैसे ये बोलो आमना कहती है कि जी आप केले लेके आए, अब मेरी तरफ देख रही है, तो ये कभी नहीं कहेगी कि आमना, आम कहेगी ना आमना कह रही है कि आप केले लेते आना, वो आमना कहती केले लेते आना, तो ये कभी नहीं कहेगी। वो बोतल लेके नहीं मैंने तो नहीं कहा था, कल नाजरीन आप देखे कल की वीडियो में मैंने कहा था मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैंने वीडियो में कहा था कि नहीं लेके जाऊंगा, ये मजाक कर रही है आगे से। हाँ, ले गए हो। नहीं लेके जाना था ना, मैंने कहा था ना आपको नहीं लेके जाना, असल में ये शूरों का बोल रहे हैं, सारे सकूल के शूर लेने हैं सबके, ठीक है, अब ये दो छोटे रह जाए इनके भी जरा लेने, सर्दी होंगी तो इनके भी लेने, क्योंकि ये शूज आप देख रहे होंगे नीचे और आप वीडियो में एड करेंगे देखेंगे आप वगैरह देखेंगे पीछे देख चुके होंगे, तो ये शूज छोटा है क्योंकि ये पिछले साल का है और इस साल में कहाँ आना है, सर्दियां आने वाली हैं तकरीबन 10-12 दिन है, अभी मैं इनको कह रहा था कि दस अभी वैसे बजट भी नहीं है लेकिन 10-12 दिन इंतजार करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से अल्लाह ने इंतजाम किया तो जरूर इंशाल्लाह आपको लेके देंगे, जरूर लेके देंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर हो जाएगा, बाकी दुआ याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बाय बाय करो, अस्सलाम वालेकुम।